बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी पर पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर के बर्डघाट रामलीला कमेटी द्वारा बर्डघाट रामलीला मैदान में भी भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इसके पूर्व यहां पर 9 दिन तक रामलीला का मंचन हुआ, जहां पर कलाकारों ने यहां दर्शकों का मन मोह लिया। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ उनका अभिवादन किया। इस दौरान श्री राम के तीर लगते ही रावण धू धू कर जलने लगा। इसी के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और भगवान श्री राम ने लंका जीतकर अयोध्या की तरफ कूच किया। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत के लिए सजाया गया। तभी से हम सभी विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। इस अवसर पर बर्डघाट रामलीला कमेटी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रावण दहन देखने पहुंचे थे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बर्डघाट रामलीला कमेटी के सदस्य एवं मीडिया प्रभारी अनुराग बजवार ने बताया, आपने जो बार बार सूचना दिया जाता है कि मेला के बीच लोग नहीं आए, लेकिन हमारे बीच में एक श्री राम के भक्त लालवन भाई है, बाकी के पास से थोड़ा हम लोग दब जाए, किनारे हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि घोड़े में कोई सोच आपके मुंह पर लगे और कहीं से आपको तकलीफ हो, इसलिए थोड़ा जगह बना लेना चाहिए। भक्त जनों से अनुरोध है, आओ।
रामलीला कमेटी मीडिया प्रभारी अनुराग मठवार। ये दशहरा यहाँ पे बहुत लंबे समय से लगभग 157 साल पहले से हम लोग यहाँ रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें आज पूरे पूर्वांचल में आज के दिन रावण को वध किया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ से रावण का वध राम करके जाते हैं प्रसन्नपुर दुर्गा मिलन चौक पे, जो पूरे पूर्वांचल में एकमात्र ऐसा जगह जहाँ पे दुर्गा बाली की प्रतिमा दुर्गा जी और राम जी से मिलन होता है।